बद्दी के छक्का मार्ग पर सनसिटी के नजदीक निर्माणधीन बहुमंजिला इमारत का लेंटर अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा तकरीबन 6:15 का है। जब यह हादसा हुआ तब 4 मजदूर काम कर रहे थे, परंतु लेंटर गिरने से पहले 3 मजदूर पहले ही बाहर निकल गए, परंतु एक मजदूर मलबे के नीचे ही दब गया। SHO बद्दी राकेश राय के साथ पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद मजदूर बाहर निकाला। मजदूर की हालत देखते हुए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। बद्दी SP मोहित चावल के अनुसार हादसा तकरीबन 6:15 का है, शाम का है। एक निर्माणधीन इमारत का लेंटर गिर गया जिसमें 4 मजदूर काम कर रहे थे, परंतु लेंटर गिरने से पहले 3 मजदूर बाहर भाग गए और एक मजदूर मलबे के नीचे ही दब गया। मोहित चावला ने बताया कि मजदूर को निकाल लिया गया है जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। 4 मजदूर बता रहे शटरिंग का काम चल रहा था, 3 एकदम इवैक्यूएट हो गए, एक को टीम ने फायर की और पुलिस की टीम ने निकाला है। स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। जब तक सारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस हम क्लियर साइट नहीं कर देते, रात भर ऑफिस चलेगा। ऑफकोर्स किसका नेग्लिजेंस है, कहाँ से परमिशन दी, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम मुस्तैद है। हमारे लिए संतोषजनक बात यह है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, बट मेरी हिदायत रहेगी जब भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट से काम चले प्रॉपर SOP का फॉलो करें, और अगर यहाँ पे SOP फॉलो नहीं है तो इसमें हम कार्रवाई भी इंश्योर करें। बद्दी के छक्का मार्ग पर सनसिटी के नजदीक निर्माणधीन बहुमंजिला इमारत का लेंटर अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा तकरीबन 6:15 का है। जब यह हादसा हुआ तब 4 मजदूर काम कर रहे थे, परंतु लेंटर गिरने से पहले 3 मजदूर पहले ही बाहर निकल गए, परंतु एक मजदूर मलबे के नीचे ही दब गया। SHO बद्दी राकेश राय के साथ पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद मजदूर बाहर निकाला। मजदूर की हालत देखते हुए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। बद्दी SP मोहित चावल के अनुसार हादसा तकरीबन 6:15 का है, शाम का है। एक निर्माणधीन इमारत का लेंटर गिर गया जिसमें 4 मजदूर काम कर रहे थे, परंतु लेंटर गिरने से पहले 3 मजदूर बाहर भाग गए और एक मजदूर मलबे के नीचे ही दब गया। मोहित चावला ने बताया कि मजदूर को निकाल लिया गया है जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। 4 मजदूर बता रहे शटरिंग का काम चल रहा था, 3 एकदम इवैक्यूएट हो गए, एक को टीम ने फायर की और पुलिस की टीम ने निकाला है। स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। जब तक सारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस हम क्लियर साइट नहीं कर देते, रात भर ऑफिस चलेगा। ऑफकोर्स किसका नेग्लिजेंस है, कहाँ से परमिशन दी, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम मुस्तैद है। हमारे लिए संतोषजनक बात यह है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, बट मेरी हिदायत रहेगी जब भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट से काम चले प्रॉपर SOP का फॉलो करें, और अगर यहाँ पे SOP फॉलो नहीं है तो इसमें हम कार्रवाई भी इंश्योर करें। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। डिफेंस रोड ममून पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एवरी डे एट सेंट थॉमस इज लाइक अ ब्लेसिंग विद एक्टिव स्टूडेंट्स एंड बेनाइन हायर अथॉरिटी। स्पेशल की फीचर्स आर द वैल्यूज एंड मॉरल्स, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve, an ideal place for learning.